तो डॉक्टर भारत, अंत में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे द इंडिया पोस्ट के माध्यम से? किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वह इन बाहरी ताकतों के राजनीतिक लोगों की बातों में ना आए, वह इन कानूनों को मूल रूप से समझने का प्रयास करें। इन कानूनों के माध्यम से एक वैकल्पिक व्यवस्था की स्थापना सरकार करना चाहती है। अगर आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देके इन कानूनों के बारे में समझाना चाहूं, हम सब जानते हैं कि बाजार में जो भी फसल आती है उसके दाम घटते और बढ़ते रहते हैं, पर हम ये देखते हैं कि जो बाजार में चिप्स का पैकेट मिलता है वो 90 ग्राम का पैकेट 40 से 50 रुपए का मिलता है। चाहे आलू का रेट 10 रुपए का हो, चाहे आलू का रेट 50 रुपए हो, आलू के रेट में घटौती बढ़ौती होती रहती है, बट जो कंपनियां चिप्स का पैकेट बेच रही हैं, प्री पैक्ड फूड बेच रही हैं, उनके दाम एक समान रहते हैं। इसका मतलब कि वह किसान से फसल उस दाम पे खरीदते हैं जो कि सबसे न्यूनतम हो, और उस चिप्स के पैकेट को बना के सारा मार्जिन अपनी जेब में डालते हैं। भारत सरकार के यह कानून एक वैकल्पिक व्यवस्था बना रहे हैं। जिस प्रकार से अगर हम एक बहुमंजिला इमारत का उदाहरण लेते हैं, एक बहुमंजिला इमारत में अगर हमने प्रथम तल पे, द्वितीय तल पे, ऊपर की मंजिल पे जाना है तो हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ियों के इस्तेमाल के साथ साथ अगर समय के साथ साथ परिवार की जरूरतों को समझते हुए, बड़े बुजुर्गों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेहत की बात को ध्यान में रखते हुए, अगर घर के अंदर लिफ्ट लगा दी जाए, अगर घर के अंदर रैंप बना दिया जाए ताकि बड़े बुजुर्गों को ऊपर चढ़ने में दिक्कत ना आए, जिसको जौन सा साधन उपयुक्त लगता है वह उस साधन का प्रयोग करके प्रथम तल पर, द्वितीय तल पर, बहुमंजिला इमारत की ऊपर की मंजिलों पर जा सकता है। इसी प्रकार से जब इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो सीढ़ियों को निरस्त नहीं किया जाता, सीढ़ियों को तोड़ा नहीं जाता। उसी तरह से मैं किसान भाइयों को यह बात बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के राजपत्र में इसको वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लिया गया है। मंडियां जैसे चल रही थी, मंडियां उसी प्रकार से चलती रहेंगी, मंडियों में खरीद फरोख उसी प्रकार से होती रहेगी। इसी तरह से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, जिन किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आवश्यकता है वह अपनी फसल MSP पर बेच सकते हैं, बट आज समय बदल गया है, दुनिया बदल गई है। आज मिनिमम को छोड़कर हम मैक्सिमम की बात करें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। मिनिमम को छोड़कर आज हम किसानों को अत्यधिक अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उनका मुनाफा करते हैं तो वह मुनाफा ना केवल किसान का होगा, वह मुनाफा हमारे समाज का होगा, वह मुनाफा हमारे देश का होगा। क्योंकि किसान ना केवल हमें अन्न देता है, परंतु हमें अपने तन को ढकने के लिए जो कपड़ा मिलता है वह भी किसान की कपास से आता है, वह भी जो कॉटन की खेती किसान करता है, जो सारा कुछ खेत से हमें मिलता है, उसके लिए हम किसान के आभारी हैं, ऋणी हैं और कृतज्ञ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान और पुनः जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद।